bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy at your homes i am your gk teacher Ms. farheen and i welcome you all to your gk class my dear students as you know that we are on unit number three conservation of natural resources and today is its second lecture so my dear students let's quickly imagine that you visit a place for picnic ya <laughs> तो ज़रा सोचें जब आप वहाँ घूमने फिरने गए तो आपको वहाँ हर तरफ कूड़ा नज़र आ रहा है जगह जगह गारबेज पड़ा हुआ है जगह जगह लिटर पड़ा हुआ है तो आपने क्या सोचा पिकनिक प्लेसेस पे जाएं या समटाइम्स अगर आप इवन सी साइड पे जाएं तो वहाँ ये हशर हुआ हुआ होता है ये हाल होता है आपको जगह जगह प्लास्टिक बॉटल्स नज़र आती हैं आ, कूड़े का ढेर नज़र आता है शॉपिंग बैग्स नज़र आते हैं तो ज़रा सोचें इस तरह के मौके पर आप लोग कैसा फील करते हैं हाउ डू यू फील अबाउट इट बैड येस ऑब्वियसली वी फील बैड वेन वी सी गार्बेज एवरीवेयर स्मेल आ रही होती है उसमें से मक्खियां होती हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा और वो खूबसूरत जगहों को टोटली खराब कर देती हैं अब जरा मुझे बताएं तो जब आपने गार्बेज देखा वहां तो आपने क्या सोचा आपने सोचा ये किसने फेंका है और किसने इतनी खूबसूरत जगह को खराब कर दिया डेफिनेटली हम ये भी सोचते हैं तो क्या आपने ये सोचा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं या आपका कोई रिएक्शन था वॉट वॉज योर रिएक्शन कोई ना कोई तो रिएक्शन हुआ होगा ना आपने सोचा होगा कि चलो मैं नहीं फेंकूंगा कूड़ा मैं अपने दोस्तों को मना करता हूं मैं अपने छोटे बहन भाइयों को मना करता हूं कि डू नॉट थ्रो गार्बेज हेयर या आपने ये सोचा कि चलो आओ मिलके इसको उठाते हैं और कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी आ, मुल्क के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा किया था अगर नहीं किया तो आपको डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए बल्कि सिर्फ आपको नहीं हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम इर्द गिर्द कूड़ा करकेट ना डालें और जगह को ख़राब ना करें बिकॉज दीज थिंग्स वट डू दे कॉज लेट्स अ लुक डू यू नो पोल्यूशन इज द प्रेजेंस इन और इंट्रोडक्शन इन टू द एनवायरमेंट ऑफ अबस्टांस और थिंक दैट हैज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट इट इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर वाटर और सॉयल दैट आर डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो माई डियर स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी चीज जो आप आर्टिफिशियली एनवायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट होता है डेट इज पोल्यूशन सो so, जो आपने पिकनिक प्लेस पे डिफरेंट कूड़ा करकट और गार्बेज पड़ा हुआ देखा बेसिकली दैट वाज पोल्यूशन क्योंकि एक तो वो आपकी नेचुरल uh, ब्यूटी को ख़राब कर रही है इसके अलावा उसका डेफिनेटली कोई ना कोई बुरा इफेक्ट होगा हमारे एन्वायरमेंट के ऊपर सो माय डियर स्टूडेंट्स इट कैन हैपन नेचुरली या तो पोल्यूशन जो है वो नेचुरली कॉज होती है सच एज थ्रू वॉलकैनिक करप्शन यानी कि जब कोई आतश फशाफटता है कोई वॉलकैनिक वॉलकैनिकप्शन होती है उसकी स्मोक से या उसकी एश से जो है पोल्यूशन कॉज होती है अदरवाइज ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो सबसे बड़ा जरिया है पोल्यूशन कॉज करने का यानी कि सबसे बड़ा आप यानी कि आप देखें कि आप जब प्लास्टिक बैग्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं इसके अलावा जब आप चीज़ों को जलाते हैं आपकी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो भी पोल्यूशन कॉज करता है सिमिलरली जो शिप्स का ऑयल पानी में लीक करता है वो भी पोल्यूशन कॉज करता है और आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि हम पोल्यूशन के जो है वो डिफरेंट वेज को देखेंगे सो डिफाइन द टर्म पोल्यूशन हम आज पोल्यूशन को बाय द एंड ऑफ लेक्चर ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द वर्ड पोल्यूशन और इसके अलावा दे विल <coughs> Sorry, they will list different types of pollution like land, water, air and noise pollution. Or by the end of this lecture, all the students will be able to uh, list different types of pollution.. Okay? So my dear students, let's quickly move towards <coughs> Islamic perspective. It is he who has appointed you viceroys in the earth that he may try you in what he has given you. सो माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाएं इन चीज़ों में जो तुमको दी हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स जितनी भी आपके इर्द गिर्द नेमते हैं ये अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं और अल्लाह ताला ने हमें इसका जिम्मा दिया है कि हम इन चीज़ों का ख्याल भी रखें क्योंकि हमसे इनकी पूछ कूछ और इनके बारे में सवाल भी किया जाएगा सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव मूव फॉरवर्ड टू द प्री रीडिंग क्वेश्चन क्विकली आंसर द क्वेश्चन हाउ डू यू फील इन नॉइज एंड स्मॉग सबसे पहले आप ये देखिए जब बहुत ज्यादा शोर होता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक का हॉर्न आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं और इर्द गिर्द ट्रक का हॉर्न है बस का हॉर्न है कैसा फील होता है डेफिनेटली वी फील बैड सर में दर्द शुरू हो जाता है इसके अलावा स्मॉग जब स्मॉग होती है तो आपको कैसा फील होता है नॉट फॉग स्मॉग विच इज कॉज ड्यू टू द पोल्यूशन Obviously it has bad effect on our health और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये pollution की वजह से हैं Why do you use mask in coronavirus pandemic? Coronavirus हर तरफ है और उससे बचने के लिए हमें क्या कहा जाता है wear mask और जो है एक specific distance पे एक दूसरे से रहें बहुत ज़्यादा हाथ वात ना मिलाएं So आप mask क्यों पहनते हैं to protect yourself सो so, अब पोल्यूशन से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे तो आज हम ये सब चीजें जो है इन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सो माई डियर स्टूडेंट क्विकली ओपन पेज नंबर ट्वेंटी नाइन इन यूर बुक्स आई होप एवरीबडी हैज ओपन पेज नंबर ट्वेंटी नाइन इन देयर बुक्स सो माई डियर स्टूडेंट्स पोल्यूशन आपको डिफरेंट पिक्चर्स भी अपने बुक पे नजर आ रही हैं सबसे पहले हम क्योंकि um, देखेंगे कि पोल्यूशन होती क्या है लेट्स क्विकली डिफाइन इट एडिशन ऑफ हार्म फुल थिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोलूशन आपके एनवायरमेंट में किसी भी चीज का एड ऑन हो जाना और उसका एनवायरमेंट पर बैड इफेक्ट होना के किसी भी हार्मुल चीज का आपके एनवायरमेंट के अंदर एड ऑन हो जाना दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन सो माई डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में और इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी आपकी बुक में है जरा देखें कितनी सारी ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा लोग हैं और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कॉज होता है वाई ट्रैफिक इंजन uh, जो है उससे सलेंसर्स वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से uh, नॉइज़ कॉज होता है इसके अलावा जो प्रेशर हॉर्नस होते हैं आपके व्हीकल्स के अंदर वो भी नॉइज़ कॉज करते हैं uh, बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी नॉइज़ कॉज करते हैं सो लेट्स हैव लुक लुक नाउ क्विकली पुट यू फिंगर्स वेयर आई विल रीड द अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइज़ that causes a disturbance is called noise pollution it irritates us and can damage our hearing loud music horns of vehicles use of loudspeakers etc cause noise pollution so my dear students aisa, uh, awaz, uh, jo ke unacceptable or basically that is noise pollution यानी कि देखें आप इसका एक हार्मफुल इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है सर में दर्द शुरू हो जाता है यू डू नॉट फील कंफर्टेबल एनी मोर सो दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन सो एनी थिंग विच हैज अ बैड इफेक्ट ऑन आर एनवायरमेंट दैट इज पोल्यूशन और नॉइज भी उनमें से एक है देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड एयर पोल्यूशन लेट्स एयर पोल्यूशन लेट्स क्विकली फर्स्ट लुक एट पिक्चर रिलेटेड टू एट हेयर सो so, आप देखें कि फैक्ट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक उनमें से बाहर आ रही है और ये स्मोक जो है डेफिनेटली इट डू नॉट हैव अ गुड इफेक्ट ऑन आर एनवायरनमेंट जिसकी वजह से बहुत से बुरे असरात जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट रीडिंग हार्मफुल गैसेस रिलीज फ्रॉम द चिमनीज़ एंड पाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पल्यू द एयर विच इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन एक्सक्यूज मी सो माई डियर स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे हार्मफुल गैस धुआं जो हवा में रिलीज़ होता है फैक्ट्री से पाइप से किसी भी बर्निंग की वजह से दैट कॉज़ पोल्यूशन क्योंकि उसके अंदर बहुत सी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि इंसानों के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकती हैं सो so, कोई भी हार्मफुल चीज़ अगेन हम बार बार ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ऐसी हार्मफुल चीज़ का एन्वायरमेंट में शामिल हो जाना दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन और क्योंकि ये हवा में शामिल हो रही है सो इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स पेज नंबर थर्टी अबाउट लैंड पोलूशन बट फर्स्ट है पिक्चर अबाउट लैंड पोल्यूशन है आप देखें कितना सारा गाबित जो है वो आपकी रोड्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है गलियों में आपकी पड़ा हुआ होता है देखते हैं डेली बेसिस पे स्कूल आते जाते हुए मार्केट जाते हुए आप देखते हैं सो दैट काजेज लैंड पोल्यूशन क्योंकि वह आपकी जमीन पर पड़ा हुआ है थ्रोइंग गार्बेज कैन काज लैंड पोल्यूशन इट स्मेल्स बैड एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड रैट्स दैट काज डिफरेंट डिजीजेस माई डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें एक और निगेटिव चीज़ जो है वह आपके एन्वायरमेंट में शामिल हो रही है जिसकी वजह से बहुत से दूसरे जानवर और इंसेक्ट्स जो है वो उस कूड़े के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है सो so, Uh, the garbage that is thrown everywhere on the land that causes pollution. Now, let's move forward towards water pollution. The contamination of clean water is called water pollution. That is called contamination, and water pollution causes water pollution. Any waste discharged into a lake, river, or ocean contaminates the water. so the drinking water associated with it also becomes polluted and undrinkable and dangerous for underwater life so my dear students uh, saaf pani mein fresh water mein yani ki river lakes mein uh, kisi bhi pollutant ka shamil ho jana kisi bhi gair zaruri cheez ka shamil ho jana jo ki hamari sehat ke liye theek nahi hai that causes pollution and that is harmful for health and similarly that is also harmful for the life underwater जो पानी के नीचे जिंदा रहने वाली चीजें हैं वो उनके लिए भी डेंजरस है नॉलेट क्विकली लुक एट द दिट्स वाटर इज कलरलेस पानी का कोई रंग नहीं होता ओडरलेस इसकी कोई स्मेल नहीं होती एंड ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स यू कैन सी थ्रू इट सो इफ यू ऑब्जर्व वॉटर दैट इज नॉट क्लियर एज ड्रिंकिंग वॉटर हैविंग डर्ट और स्मेल बैड इट इज पोल्यूटेड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन इट सो so, अगर आपको पीने वाले पानी की तरह कोई पानी जो है वो साफ दिखाई नहीं देता वो गदला है उसमें मिट्टी शामिल है उसमें से स्मेल आ रही है दैट मीन्स इट इज नॉट ड्रिंकेबल वो पीने के लिए सही नहीं है एंड इट हैज मेनी पोल्यूटेंट्स इन इट ओके सो नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस माई डियर स्टूडेंट्स फॉर दैट यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस वर्कशीट नंबर टू फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो or you can get it in print form by your teacher first of all you will write down your name and your class at the top and now let's have a look So, label the picture with the correct expression from the box here are some words given to you which are different types of pollutions or pictures so types of pollution you have to write down the correct type under correct picture for example the first one the uh, smoke is coming out of the factories that means it is air pollution very good <coughs> next water is getting dirty that is water pollution um, the garbage is thrown on the land that is land pollution and then there is so much noise that even the earth has covered its ears so that means it's noise pollution so the next part of the worksheet what are the effects of pollution on people and environment effects of pollution on people hai? so aap Uh, जो इफेक्ट्स हैं पोल्यूशन के वो आप किस क्या आपको सामना करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू नॉइज पोल्यूशन कॉजेस हेड एक दैट मीन्स सर में दर्द हो जाता है और उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है इट डिस्टर्ब्स एवरी वन सो नॉइज पोल्यूशन जो है एक तो उसका इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि uh, आप Uh, सर में दर्द हो जाता है और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो और uh, जानवर हैं परिंदे हैं उनके ऊपर भी इसका बैड इफेक्ट होता है इसी तरह आप एयर पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे कि इंसानों पे क्या इफेक्ट होता है वी गेट सिक फ्रॉम द स्मोक एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरमेंट इट कॉज स्मॉग Uh, आपको हर तरफ जो है वो स्मॉग नजर आती है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है सो यू विल राइट डाउन दीज कॉज हेयर ओके शो फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स पेज नंबर थर्टी सिक्स एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर थ्री वाट इज पोल्यूशन हाउ इट इफेक्ट्स आर एनवायरमेंट ठीक है पोल्यूशन क्या है फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन इट एनी थिंग दैट इज बैड एनी थिंग एडेड टू द एनवायरमेंट विच हैज अ बैड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन हाउ इट इफेक्ट्स आर एनवाइ इट इफेक्ट इन डिफरेंट वेज ठीक है तो आप वो इफेक्ट जो है उनको राइट डाउन करेंगे इन योर नोटबुक दैन कम्स वट आर द डिसडवाटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैगस अब हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक बैग जो है उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है द स्टक इन द ड्रेनेज और उसको ब्लॉक कर देते हैं दे ऑल्सो हैज बैड इफेक्ट ऑन द अंडर वाटर एनिमल्स क्योंकि वो अगर उनको सोलो कर लेते हैं तो उनकी लाइफ पीस uh, जो है वो डेंजर uh, में होती है सो डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोट बुक एंड वी विल फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर अवेल्यूएशन क्विकली टेल मी वॉट इज पोलूशन एनी थिंग दैट हैज अ बैड इफेक्ट वेन इट इज एडेड टू योर एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन नेम्स एम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वॉटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन एयर पलूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन वेरी गुड हाउ पल्यूटेड एयर इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स they cause different breathing uh, diseases lungs diseases why should we not make our land filthy because different insects and different animals are uh, attracted to these um, uh, pollute uh, uh, different garbage that you throw there and they cause sickness if there is no air what will happen we cannot breathe without air and we will die if there will be no air. So, my dear students, we now is the time to note down your homework. It is given on page number 29, teacher's note. Ask the students to design poster regarding pollution-free environment. In this post poster, suggest the ways to save our environment from different polluting activities. Display it in your class, select the best poster and uh, paste it on the notice board of your school. Okay, I will poster design do, uh, about uh, pollution-free environment. सो so, हमने डिफरेंट पलूशंस uh, जो हैं उनको इन वन साइड लिखा एंड देन हाउ यू कैन हैव अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट सो फ्रॉम एयर पोल्यूशन लेस यूज ऑफ व्हीकल आप कोशिश करें कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें और बाइसाइकल uh, जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि पोल्यूशन कम कॉज हो सिमिलरली प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज प्लांट्स क्लीन द एयर ओके

and land uh, pollution proper disposable of garbage and recycling of products will help to uh, <coughs> lessen the land pollution. <coughs> now is the time for wrap-up. the addition of harmful things to the environment is called pollution. so any bad thing which is added to the environment that is called pollution. so my dear students, i hope you have understood completely about pollution or different types of pollution. So, my dear students, keep your environment clean and healthy. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.